है गाइस, वेलकम टू साइको ऑनेस्ट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू 30 डेज 30 हिडन अपॉर्चुनिटी चैलेंज। और आज हमारा डे टू, तो आज कवर करने वाले आपकी काफ़ी बड़े इंडिया का फाउंडेशन है आपका, जो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के नाम से आप लोगों ने सुना भी होगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालता है रेगुलर बेस पर, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक बात मैं पहले बता दूँ कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन क्यों आते हैं। देखो, जो फाउंडेशन और एनजीओ की वेबसाइट है ना, वो जो जो वो क्या करती है, जो जॉब बोर्ड होते हैं, जो अदर वेबसाइट जहाँ पर लोग विजिट करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर पोजीशन निकालते हैं। अब आपको नहीं पता ना, बहुत सारे सृष्टि फाउंडेशन है आपका, AIF हो गया आपका, या बहुत बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है क्या, वहाँ पर आपको उनका नाम नहीं पता ना, तो इसलिए वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो वैकेंसीज नहीं डालते, पहली बात, ठीक है। वो लोग जो फेमस वेबसाइट होती हैं, जैसे एनजीओ बॉक्स मैंने बताया पहले, सृजन, तो वहाँ पर वो लोग अपलोड करते हैं, तो जो बच्चे हैं वो वहाँ पर देख के फिर अप्लाई करते हैं वहाँ से। तो ये बात मैं दिमाग में नोट रखा करूँ, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो है आप लोगों को इंडिया में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, इतने एनजीओ नाम तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए वो लोग अदर वेबसाइट में अपनी जॉब जो है वो पोस्ट हमेशा करते हैं। अभी बात करते हैं AIF, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की। बहुत बड़ा ये एक एनजीओ है, ठीक है। और इसमें काम देखो बहुत अच्छा काम करता है ये। अबाउट क्या है इसका, देखो यहाँ पर ये स्पेशल फोकस कर रहा है वोमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ पर। द फाउंडेशन डज दिस थ्रू हाई इम्पैक्ट फॉर इंटरवेंशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड, बिकॉज पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल। तो ये आपकी पॉवर्टी के ऊपर, लाइवलीहुड, हेल्थ और एजुकेशन पर काम कर रहा है, तीन प्रोजेक्ट में बेसिकली। अभी ये टोटल 35 इंडिया के 35 मल्टीपल सिटीज, अदर मल्टीपल 20+ स्टेट्स में काम कर रहा है। इसके अंदर निकली है पोजीशन। अब पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी देख लो, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या नाम है पोजीशन का, नाम क्या है, कंसल्टेंट, ठीक है। रोल क्या रहेगा, कम्युनिटी इंगेजमेंट में आपका रोल रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी हैं, वेरियस। प्रोजेक्ट प्रोग्राम क्या है, लाइवलीहुड पे आप काम करोगे। तो देखो लोकेशन कौन कौन सी है, बेंगलोर एंड मैसूर कर्नाटका पहली, जहाँ पर दो या तीन पोस्ट हैं, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर मध्य प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अयोध्या उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, अमृतसर एंड लुधियाना पंजाब, गुवाहाटी असम, जमशेदपुर एंड रांची झारखंड, कोयम्बटूर एंड मदुरई तमिलनाडु, रायपुर छत्तीसगढ़, पुणे एंड मुंबई महाराष्ट्र, गुरुग्राम हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात एंड हरिद्वार उत्तराखंड। इतनी जगह पर पोस्टिंग, टोटल 20+ ही पोस्ट आपकी रहेंगी। स्टार्टिंग ड्यूरेशन आपकी 12 महीने की रहेगी, अप टू 12 या उससे ऊपर महीने की रहेगी। उसके बाद आपका रिन्यूअल हर साल होता रहता है, ठीक है। अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और जॉब में काम क्या करना है आपको। देखो काम बहुत सही है आपका, आपको इंश्योर करना है टारगेट ग्रुप जब को मिलेंगे लाइवलीहुड के ऊपर। आपको टीम के साथ प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट विजन पे काम करना है। आपको सपोर्ट करना है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, काउंसलिंग सेशन, लाइवलीहुड ड्राइव्स, आपको सपोर्ट करना है। आपको स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन कॉलेज वगैरह में जाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है। आपको लोकल इंस्टीट्यूट में बिल्डिंग रिपोर्ट करनी है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर जब आपका प्रोजेक्ट का टारगेट ग्रुप है उसके साथ आपको काम करना है। और एनी अदर टास्क जो आपको मिलेंगे मैनेजर से, वो भी आपको काम करना है। रेगुलर कम्युनिटी के फीडबैक आपको लेने हैं, टीम लीडर को वो भेजोगे आप। तो ये आपका काम है, काम बहुत ईजी है। अब बात करें देखो जो क्या है सीन है यहाँ पे, देखो क्वालिफिकेशन की, आपने इंटरमीडिएट करा किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो। और मेन, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, उनका उनको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रेफरेबली। ये मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रेफरेबली। मतलब विदाउट एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हो। और कम्युनिटी एंगेजमेंट लिखा है तो कम्युनिटी एंगेजमेंट का ही होना चाहिए। तो बहुत कम या मतलब नहीं होगा लोगों के पास कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक्सपीरियंस, बहुत कम लोगों के पास होता है। तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है अगर आप फ्रेशर हो तो। फ्रेशर के लिए पोस्ट है 12th या फिर ग्रेजुएट प्रेफर्ड या फिर अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, MS Excel, MS ऑफिस वगैरह। और आपको हैंडलिंग करनी पड़ेगी ग्रुप मीटिंग्स कम्युनिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में, बस हो गया। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, SRLM, NURLM, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बस हो गया। सेल्फ मोटिवेटेड हो आप जहाँ पर, आप जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, देखो हरिद्वार में पोस्ट है, ठीक है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो हरिद्वार में। पहली बात तो ये, आप कहीं भी रहते हो, आप यूपी में रहते हो, आप उत्तराखंड अप्लाई कर लो, आप यूपी में रहते हो, आप नोएडा में अप्लाई कर लो, अप्लाई आप कहीं भी कर पाओगे, वो दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो बट आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो। सैलरी देखो, देखो आप स्टार्टिंग जॉब है, 12 पास मांगा हुआ है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो। सैलरी कम मिलेगी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग सैलरी 22,000 रुपये मिलेगी। लेकिन ये अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको काम, स्किल सीख जाओगे, आपको काम आ जाएगा फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल फाउंडेशन है। तो आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी आपकी, ठीक है। और विद एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये सैलरी बढ़ जाएगी। और ज्वाइनिंग इमीडिएट होगी, बहुत जल्दी अप्लाई करने के लिए। वो यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करना है आपको अप्लाई करने के लिए, तो आपका ये फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब इस फॉर्म को समझो जरा ध्यान से।
एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्कोप ऑफ वर्क कंसल्टेंट इन कम्युनिटी एंगेजमेंट वेरियस लोकेशन। सबसे पहले अपनी ईमेल भरोगे, अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हाइएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी। अब यहाँ पर देखो लिखा है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब वहाँ पे लिखा है ना फ्रेशर्स एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप लिख दो जीरो, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे जीरो। फिर करंट डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कहीं काम नहीं करो, यहाँ लिखोगे आप क्या NA, ठीक है। करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ लिखोगे आप NA, ठीक है। करंट सैलरी NA लिख दो या जीरो लिख दो, ठीक है। एनी वेरिएबल पे कहीं हो रहा है तो यस नो कर दो, नोटिस पीरियड जीरो कर दो, ठीक है। वर्क यहाँ पे देखो कहीं प्लीज मेंशन योर प्रेफर्ड लोकेशन, अपनी लोकेशन डालो यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर क्या, मैं डालता हूँ यहाँ पर हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड डाल दी मैंने, हरिद्वार स्लैश उत्तराखंड डालता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप डालोगे, ठीक है। और अभी का जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से लीविंग, तो यहाँ पर एनए लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं भाई, ठीक। और यहाँ पे देखो यहाँ पर अपना सीवी डाल दो, यहाँ पर हो गया, बस इतना ही काम है, बस कुछ भी नहीं है, आप अपना सीवी अपलोड कर दो, बस काम आपका हो गया, ज़्यादा कुछ ही नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 30 डेज का चैलेंज है, जिसमें आज day 2 है हमारा, हमने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कवर करी है, बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन है फॉर फ्रेशर्स, और अभी हमारे 28 डेज बचे हुए हैं, तो चैनल को दबा के शेयर करो, तभी मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, नहीं तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। चैनल को शेयर करो, वीडियो ज़्यादा लाइक करो, और जल्द मिलते हैं एक अच्छी अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।